गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू SST चैप्टर फिफ्थ इंडियन विलेज. टुडे यू हैव टू स्टडी क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन एंड आफ्टर स्टडी यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक. क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट आर द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल लिविंग इन विलेज, मतलब गांव में रहने वाले लोगों की प्राथमिक आवश्यकताएं क्या है, उसको आपको लिखना है. तो आंसर होगा द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल लिविंग इन विलेज इंक्लूड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनकी प्राथमिक आवश्यकता पहली है सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने का सुरक्षित पानी. अगला है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, पक्का रोड्स, स्कूल एंड हेल्थ सेंटर, ये सब उनकी आवश्यकताएं हैं. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत क्या है. हाउ इज अ ग्राम पंचायत इलेक्टेड, तो इसका आंसर होगा द लोकल गवर्निंग बॉडी इन अ विलेज, जो लोकल मतलब स्थानीय गवर्निंग बॉडी होती है, शासन करने वाली संस्था होती है इन अ विलेज गांव में, इज नोन जानी जाती है एज द ग्राम पंचायत. इट्स मेंबर, जो इसके मेंबर होते हैं ग्राम पंचायत के, आर इलेक्टेड, वो क्या किए जाते हैं, इलेक्टेड मतलब चुने जाते हैं, आर इलेक्टेड चुने जाते हैं बाय द ग्राम सभा, ग्राम सभा के द्वारा. तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वर्क इज डन बाय द ग्राम पंचायत, व्हाट वर्क मतलब कौन सा कार्य इज डन किया जाता है बाय द ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के द्वारा. आंसर होगा द ग्राम पंचायत वर्क्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द विलेज एंड इट्स पीपल, गांव जो ग्राम पंचायत होती है वो कार्य करती है गांव के विकास के लिए और गांव के लोगों के विकास के लिए, मतलब गांव का विकास हो, मतलब गांव की जो गलियां हैं, सड़कें हैं, स्कूल है वगैरह, उसका विकास हो और वहां पर जो लोग हैं उनका ही विकास हो, इसके लिए कार्य करती है. इट प्रोवाइड्स, जो ग्राम सभा होती है क्या करती है, प्रोवाइड्स करती है, उपलब्ध कराती है बेसिक फैसिलिटीज, मतलब प्राथमिक सुविधाएँ, सच एज मेंटेनिंग क्लीनलीनेस ऑफ द विलेज, मतलब गांव के क्लीनलीनेस को मेंटेन करना, मतलब गांव की सफाई को मेंटेन करना. बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग विलेज रोड, गांव के रोड को बनवाना और उसको रिपेयर करवाने का काम करती है. ओपनिंग स्कूल फॉर एजुकेटिंग चिल्ड्रेन एंड एडल्ट्स एट्सेट्रा, मतलब जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करती है और जो एडल्ट्स हैं, जो मतलब बड़े लोग हैं, उनके लिए भी शिक्षा की व्यवस्था करती है ग्राम पंचायत. क्वेश्चन फोर है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ विलेज इन इंडिया एंड द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल इन विलेज, आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन का मतलब व्याख्या करना है, टाइप ऑफ विलेज गांव के प्रकार की इन इंडिया भारत में, एंड द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल, और जो लोग इन गांव में रहते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या समस्याओं का सामना करते हैं, उसको भी आपको लिखना है. आंसर होगा मोस्ट ऑफ आवर विलेज आर स्मॉल, जितने भी हमारे एक कंट्री के गांव हैं तो उसमें से अधिकांश गाँव क्या हैं, स्मॉल हैं. सम विलेज ग्रो सो बिग, कुछ गांव इतने बड़े हो गए हैं, मतलब उसकी एरिया ज़्यादा है, कुछ ही गांव हैं दैट दे बिकम टाउन्स, कि वो क्या बन चुके हैं, टाउन्स बन चुके हैं, कस्बा बन चुके हैं. पीपल लिविंग इन विलेज, गांव में रहने वाले लोग फेस मैनी प्रॉब्लम, कई समस्याओं का सामना करते, सच एज स्कार्सिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, स्कार्सिटी मीन्स होता है कमी, ड्रिंकिंग वाटर की कमी होती है, पीने के पानी की कमी होती है गाँव में. हाइजीनिक कंडीशन, अनहाइजीनिक, अनहाइजीनिक मतलब अस्वस्थ कर, मतलब ऐसा कंडीशन होता है गाँव का
कि वहाँ पर बीमार पड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो उस प्रकार की समस्याओं का सामना लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट डाउन द मेन नीड्स ऑफ द विलेजर्स। गांव के लोगों की मेन नीड्स क्या है, मुख्य आवश्यकता क्या है, उसको लिखना है। आंसर होगा द मेन नीड्स ऑफ द पीपल इन विलेजेस इंक्लूड, जो मेन नीड्स है, मुख्य आवश्यकता है ऑफ द पीपल लोगों की इन विलेज गांव में, इंक्लूड मतलब उसमें कौन कौन सी समस्याएं शामिल है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पहली समस्या है सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने का जो सुरक्षित पानी होता है उसकी है। इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है। पक्का रोड, स्कूल एंड हेल्थ सेंटर। क्वेश्चन 6, राइट डाउन फ्यू फैसिलिटीज, मतलब कुछ सुविधाओं को लिखिए, प्रोवाइडेड बाय द पंचायत, जो कि पंचायत के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है, उपलब्ध कराई जाती है टू द विलेजर्स, गांव के लोगों को। आंसर लिखेंगे मेकिंग अरेंजमेंट फॉर नाइट क्लासेस फॉर इलिटरेट विलेजर्स हु वर्क इन फार्म और फैक्ट्रीज। मीन्स जो ग्राम पंचायत है अरेंजमेंट करती है, व्यवस्था करती है, अरेंजमेंट मीन्स व्यवस्था करना होता है, फॉर द नाइट क्लासेस मतलब रात्रि को कक्षाओं को चलाने के लिए, मतलब पढ़ाई का जो क्लास चलता है उसके लिए कक्षाओं की व्यवस्था करता है रात्रि में। फॉर द इलिटरेट विलेजर्स, जो गांव के अनपढ़ लोग हैं, इलिटरेट पर्सन हैं, उनके लिए। हु वर्क इन फार्म, जो कि खेतों में काम करते हैं दिन में, और फैक्ट्रीज, तो शाम को आएंगे तो रात्रि को उनके लिए नाइट क्लास की व्यवस्था करता है। फिर सेटिंग अप डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल खुलवाती है ग्राम पंचायत, एंड मेडिकल कैंप्स, और मेडिकल कैंप्स भी लगवाती है फॉर ट्रीटिंग द इल, मतलब बीमारियों के इलाज के लिए, एट्सेट्रा, मतलब और कुछ भी हैं इसमें कार्य ग्राम पंचायत के।